हेलो माय लवली फूडीज, वेलकम बैक टू हैप्पी कुक बेक चैनल। मैं हूँ प्रियंका चौरसिया और आज हम बनाएंगे भरवा करेले और उसी करेले के छिलके से बनाएंगे और एक स्वादिष्ट सब्जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आधा किलो करेले को हमने अच्छे से धो लिया है और उसे अब इस तरह काट लेंगे और इसका छिलका छुरी के सहायता से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये जो हम छील के निकाल रहे हैं इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे जमा कर लेना है। तो इसी तरह हम सारे करेले को छील लेंगे। करेले की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में हम 3 बड़े चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 1 चम्मच मेथी भी डालेंगे, मेथी दाना, और 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। इन सब को हमें भून लेना है जब तक इसकी अच्छी सुगंध ना आने लगे। इसे धीमी आंच पे भून लें। 3 से 4 मिनट में इसकी अच्छी सुगंध आने लगेगी, तब हम गैस को बंद कर देंगे और इस भुने हुए सूखे मसाले को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा हो जाए तब हम इसे मिक्सर के जार में डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए महीन पीस लेंगे। पीस लिया है हमने मसाले को, देखिए कुछ इस तरह दिखता है, इतना महीन चल जाएगा। अब हम इसमें 1 बड़ा प्याज डालेंगे लंबे टुकड़ों में कटा हुआ, 15 से 20 लहसुन की कलियां डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधा किलो करेले के लिए आप अंदाजे से नमक डालें। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1.5 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे और इन सब को हम बिना पानी ऐड किए इसका मसाला तैयार कर लेंगे, पीस लेंगे इसे। देखिए पीसने के बाद कुछ इस तरह दिखता है, इसमें 1 बूंद भी पानी हमने ऐड नहीं किया है। ये प्याज की नमी से ये मसाला इस तरह पिस चुका है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। नॉर्थ साइड की रेसिपी बना रहे हैं हम भरवा करेले की। देखिए ये रहा करेले का छिलका और ये हमारे छिले हुए करेले। तो इस तरह हमें इसे बीच में चीर लगा देना है जिसके अंदर हम मसाला भर सके। और सारे करेलों को इसे ऐसे खोल कर इसे देख ले, इसमें कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। साफ करेले होने चाहिए और जितना हो सके आप छोटे और पतले करेले ले भरवा करेले बनाने के लिए। करेले को फैला कर हम मसाले को भर देंगे इस तरह बीच में, जितना आ जाए उसमें उतना मसाला भर दे। इसी तरह हम सारे करेलों में भर लेंगे। इतने करेलों के लिए इतना मसाला काफ़ी है, आप इसी तरह सारे भर लीजिए। देखिए सारे भर चुके हैं करेले। अब हम पैन में सरसों का तेल डालेंगे। इस सब्जी में थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है तो 4 से 5 बड़े चम्मच तेल हमने इसमें डाला है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम भरे हुए करेले डाल देंगे। चीरा लगाया हुआ पार्ट हम ऊपर की तरफ फेस करेंगे और सारे रख दिए हैं मैंने, इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट हम पका लेंगे। 5 मिनट बाद हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे पलट देंगे चिमटे की सहायता या फिर कोई भी चम्मच के सहायता से इसे पलट दें, सारे पलट दें। 5 मिनट ही हमने रखा था इसे। अब इससे दूसरी तरफ भी हमें पका लेना है। इस बार धीमी आंच पे 10 मिनट पकाएं। 10 मिनट होने के बाद इसे हम इस तरह पलट देंगे। देखिए मसाला तो अच्छी तरह पक चुका है, बहुत अच्छा कलर आया है। अब इसे पीछे तरफ भी इसी तरह पका लेना है। ये जितना अच्छी तरह जलता है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। दोनों तरफ हमने इसे पका लिया है अच्छी तरह। अब गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे जहाँ ये नहीं जला है उसे उस तरफ पका लेंगे। मतलब इसे इवन कलर देने के लिए इसे हमें खुला रख के ही पकाना है तेज आंच पे। तो
देखिए ये पक चुके हैं, गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हम एक चम्मच तेल डालेंगे सरसों का, और जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें हम आधी प्याज डालेंगे बारीक कटी हुई, और प्याज को सुनहरा होने तक पका लेंगे। प्याज जैसे ही सुनहरा हो जाए इसमें हम करेले का छिलका डाल देंगे जो हमने छील कर निकाल लिया था, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। गैस के फ्लेम को आप मीडियम ही रखें इस वक्त, और इसे 1 से 2 मिनट ऐसे लगातार चलाएं। 2 मिनट बाद हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे भुंजरू भी कहा जाता है। नमक और हल्दी को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। 5 से 6 मिनट में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है, और ये सब्ज़ी फुलकों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो इसे ढककर हमें 5 मिनट पका लेना है। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ा कम हो गई है, और इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये जले ना। तो ये सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। एक ही करेले से हमने 2 सब्ज़ी बनाई है, एक भरवा करेले और एक भुंजरू। तो आप इसे ज़रूर बना के देखें। नॉर्थ इंडियन स्टाइल भरवा करेले की सब्ज़ी तैयार है। करेला बहुत ही गुणकारी सब्ज़ी है, तो इसे आप ज़रूर खाएं। इसका कड़वापन निकालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये कोई फ़ायदे का नहीं। ज़रूर ट्राई करें इस मेथड से भरवा करेले की सब्ज़ी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।